कच्चे केले और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए, ये चार केले लिए हैं मैंने कच्चे, और एक आलू का टुकड़ा है जिसे मैं काट कर पानी में डाल के रखी हूँ ताकि वो काले ना पड़ जाएं। एक प्याज है, तीन लहसुन की कलियाँ हैं, दो कटे हुए टमाटर, एक हरी मिर्च, थोड़ा मीठा नीम, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। एक गिलास पानी लिया हुआ है हमने, जो हम बाद में डालेंगे। ये मैंने प्याज और लहसुन को कूच लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल है कढ़ाई में, उसे हमने गरम कर लिया है। ये गरम होने के बाद हम इसमें अपना कूचा हुआ प्याज और लहसुन, इसमें हमने हल्दी पाउडर डालकर कूचा था, उसे डालेंगे। अब इसमें हम अपना प्याज लहसुन का पेस्ट जो हमने कूच के रखा था उसे डाल देंगे। हरी मिर्च जो काट के रखी है उसे भी डाल देंगे, मीठा नीम भी डाल देंगे। प्याज हमारा थोड़ा भून गया है, अब इसमें हम अपनी कसूरी मेथी डाल देंगे। प्याज हमारे भून चुके हैं, अब हम इसमें अपना कच्चे केले आलू जो काट कर रखे हैं उसे डाल देंगे। हम अपने जो केले आलू डाले हैं इन्हें अच्छे से भूनेंगे, ढककर पकाएंगे, ये भूनते जाएंगे और धीरे धीरे पकते जाएंगे। क्योंकि हमारी सब्जी थोड़ी भून गई है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो पक जाएं, क्योंकि केला जल्दी पक जाता है, आलू को थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हमने अभी नमक डाल दिया है और आँच जो है वो कम में रहेगा ताकि हमारी सब्जी धीरे धीरे पक जाए। अब इसे हम ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छी तरह से भून चुकी है और देखिए केला पक भी गया है और आलू भी पक गए। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले जो हैं सब डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके टमाटर भी हम अभी डाल देंगे। अब हम टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारे मसाले और सब्जी सारे अच्छी तरह से भून गए हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है, मैंने थोड़ा गर्म किया है। आप जब भी किसी भी सब्ज़ी में पानी डालें तो थोड़ा गर्म करके डालें, उससे टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। ये 1 गिलास पानी है। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा और हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। देखिए हमारी केले और आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमारी कच्चे केले और आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। मुझे बताइए कमेंट करके कि ये सब्जी कैसी बनी और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।